हरियाणा से विधानसभा चोणों के लिए 5 अक्टूबर वोटें पैने और आज चोन प्रचार का आखिरी दिन था और जो पंजाब के नाल लगते बॉर्डर का एरिया है हरियाणा का वो सील करते हरियाणा पुलिस वालों। पंजाब तो जड़ी भी गड्डी हरियाणा से दाखिल होएगी उसकी चेकिंग की जा रही है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है हरियाणा पुलिस वालों जड़ी गड्डियाँ पंजाब तो हरियाणा से दाखिल हो रही हैं ताकि हरियाणा के 5 अक्टूबर अमन अमान नाल वोटा पाई जा सकन, कोई सराय तत्व पंजाब या किसी पास्यों आके हरियाणा के माहौल में खराब ना करे, उस दे लई हरियाणा पुलिस वालों पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पंजाब बॉर्डर पूरी तरह सील किया गया है। इस दे नाल अजीमगढ़ है, अरनौली है, टटियाणा है, ये कई नाके हैं जिहड़े गुला विधानसभा हल्के दे नाल लगते हैं, उत्थे पुलिस पूरी तरह तैनात है और हर गड्डी का नंबर और ड्राइवर कितों आ रहा है सारा और किन्ने नाके कैथल जिले के हरियाणा पंजाब के बॉर्डर नाल लगते हैं उस के बारे गलबात करते हैं, इतने पुलिस अधिकारी खड़े हैं। हाँ जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह कहते हैं। हाँ जी, मैं सुपरिटेंडेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ जी और मैं यहाँ मैंने सुबह से लेकर अब तक गाड़ी 171 चेक कर ली है और प्रॉपर तरीके से चेक कर हुई है, किसी प्रकार कोई संवेदनशील मामला सामने नहीं आया। आज चुनाव प्रचार बंद हो गया 5 बजे, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और किस तरह के मान लो पुख्ता इंतजाम है? हमारी तरफ से मतलब उप अधिकारियों ने पूरी तरह मतलब बढ़िया प्रबंध की हुई है, किसी पर कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई घटना ना घटे, सभी इंतजाम पूर्ण तरह किए हुए हैं और चुनाव को पूर्ण शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रयास। कोई भी आदमी पंजाब से कोई नशा या कोई हथियार लेके दाखिल ना हो उसके लिए कितने जवान यहाँ बॉर्डर पे आपके तैनात हैं? हमारे पास फोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन फिलहाल पंजाब से ऐसा कोई मामला नहीं आया कोई हथियार नशा का। अब ये मतलब 21 दिन हो गए चेकिंग करते हुए ड्यूटी करते हुए तो कोई ऐसी मामला नहीं है हमारे पास। आपके जिस तरह ये अजीमगढ़ का नाका है और कितने जगह पे आपके मतलब गोले के हल्के में लगे हुए हैं? हमारे गोले में तो काफ़ी लगे हुए हैं, मतलब 4-5 नाके ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं और सब पे मतलब पैनी नज़र रखी हुई है। कैमरामैन बीके गर्ग के नाल पुरुषोत्तम कौशिक, अजीमगढ़ हरियाणा बॉर्डर।